नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार 11,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी, जिनमें से एचपीएससी द्वारा 5,000 पीजीटी और एचएसएससी द्वारा 6,000 टीजीटी की भर्ती की जाएगी। नियमित भर्ती होने तक अध्यापकों की भर्ती कौशल रोजगार के माध्यम से करवाने की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने स्कूलों को बंद करने और शिक्षकों के रिक्त पदों की खबरों को भ्रामक और निराधार बताते हुए कहा कि राज्य सरकार किसी स्कूल को बंद नहीं करेगी और प्रदेश में शिक्षकों के पद खाली नहीं हैं। सीएम ने बताया कि पिछले 8 वर्षों में उन्होंने 8,600 पीजीटी और टीजीटी की भर्ती की है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण शिक्षकों के ऑनलाइन स्थानांतरण की प्रक्रिया रुकी हुई थी। इस दौरान कई शिक्षक सेवानिवृत्त हुए और कई पदोन्नत हुए और अब राज्य सरकार ने फिर से स्थानांतरण अभियान शुरू किया है और 90% से अधिक शिक्षक ऑनलाइन स्थानांतरण से संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि जब कुछ विद्यालयों में शिक्षक स्थानांतरण नीति का कार्य रुका तो विद्यार्थियों की संख्या की तुलना में शिक्षकों की संख्या में कमी आई, जबकि कुछ विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या की तुलना में शिक्षकों की संख्या अधिक थी। इसलिए शिक्षक छात्र अनुपात यानी 30.1 के अनुसार शिक्षकों का नियुक्तिकरण अनिवार्य हो गया। सीएम ने कहा कि जब उन्होंने इस साल फिर से ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू की तो पाया कि 117 सरकारी माध्यमिक विद्यालय थे जिनमें से कोई शिक्षक नहीं था और 2,000 से भी अधिक पीजीटी ऐसे उच्च विद्यालयों में कार्यरत थे जहां कक्षा 9वीं और 10वीं में केवल एक या दो सेक्शन ही थे। इसलिए शिक्षकों को कार्यभार के अनुसार युक्तिसंगत बनाने का निर्णय लिया गया। स्कूलों के विलय पर शोर मचाने पर विपक्ष प्रत्यंच कसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में 509 स्कूलों का विलय हुआ था, जबकि हमारे कार्यकाल में 120 स्कूलों का ही विलय हुआ है। कांग्रेस के विपरीत हमने इन मर्ज किए गए स्कूलों को कभी भी निष्क्रिय नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश में एक बच्चे की शिक्षा पर सर्वाधिक राशि खर्च कर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने स्कूलों के नाम पर राजनीति की। वे अपने कार्यकाल में एक ही भवन में 4-4 स्कूल चलाते थे। एक ही भवन में चल रहे इन स्कूलों के लिए सिर्फ पद सृजित करने के लिए 4 अलग अलग प्रमुख नियुक्त किए गए थे। हमने ऐसे स्कूलों का विलय किया है और अब केवल एक ही मुखिया द्वारा चलाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने स्कूलों का विलय करने और स्कूल प्रमुख की जिम्मेदारी हाई स्कूल के प्रधानाचार्य को सौंपने का निर्णय लिया है और इसके अलावा राज्य सरकार ने प्रदेश भर में 500 मॉडल संस्कृति स्कूल खोलने की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा लागू की गई चिराग योजना भी उन गरीब छात्रों के लिए वरदान साबित हो रही है जो निजी स्कूल में पढ़ना चाहते हैं। स्कूलों की संख्या में जैसा मैंने बताया कि बिल्डिंग में 1, 2, 3, 4 कितने ही स्कूल वो एक कागजों पर बना दिए जाते थे, जिसके कारण से सब स्कूलों की संख्या लगभग 14,000 14,500 बल्कि एक बार तो ये 15,000 भी हो गई थी। और वो 15,000 स्कूल नहीं है, वास्तव में बिल्डिंग्स तो 9 से 10,000 के बीच में ही बैठती हैं। तो अब हमने उन स्कूलों को मर्ज कर दिया है और मर्ज करते समय एक बिल्डिंग में जितने स्कूल है सबको एक स्कूल माना जाएगा। उसमें कोई बंद किए ऐसा नहीं है, ये जो शोर मचा रहा स्कूल बंद करके स्कूल बंद कर दिए, मर्ज किए हैं। वही क्लासेस हैं, वही बिल्डिंग है, वही उतने ही सेक्शन है, लेकिन मर्ज करने से अध्यापकों का जो शोर होता था कि अध्यापक कम है वो ठीक हो गए। अपग्रेडेशन भी हमने जो है उसमें भी हमेशा जब भी बच्चों की डिमांड आई है उसके हिसाब से हमने उसको अपग्रेडेशन भी किया है। अपग्रेडेशन तो हर सरकार में होते हैं, कांग्रेस सरकार में भी अपग्रेडेशन हुए हैं, हमारे यहां भी अपग्रेडेशन हुए हैं। हां, जो मर्ज हुए उस मर्ज में कांग्रेस ने भी अपने टाइम पर 509 स्कूल मर्ज किए थे 10 साल में। हमने जो मर्ज किए हैं वो 120 स्कूल किए हैं। मर्ज करने वाली अगर रेट देखा जाए तो उस समय भी ज्यादा है, उन्होंने अपग्रेड भी बिना सोचे समझे करते रहे हैं। हमारे मुकाबले में अपग्रेड भी जब चाहे तब कर देते थे, वो अपग्रेड भी ज्यादा किए, मर्ज भी ज्यादा किए। हमने अपग्रेड भी सोच समझ के किए और मर्ज भी सोच समझ किए। एक फैक्टर और है, उन्होंने जो मर्ज कर दिया उसको ओपन नहीं किया 10 साल में। हमने मर्ज करने के बाद अगर संख्या बढ़ती है तो जैसी डिमांड आती है 120 में से 42 हमने रीओपन कर दिए। और अभी भी कोई जो मर्ज करते हैं या कहीं मानो संख्या कम होती है
उसके बाद जांच जैसे ही संख्या वहां का जो नॉर्म है उस हिसाब से संख्या आने के लिए तैयार है और गांव के लोग उसको लिख के दे देते हैं, हम उसको ओपन करते हैं। लगभग हर सब्जेक्ट का हिसाब किताब रेशनाइज के पास लगा दिया है। ट्रांसफर ड्राइव 2-4 दिन में जैसे ही पूरा हो जाएगा उसी समय या उससे पहले भी हम कर सकते हैं। लगभग 5000 TGT और 6000 PGT इनकी रिक्वेशन डिपार्टमेंट से कुछ एग्जैक्ट संख्या ओपन चाहेगी, लेकिन लगभग 11000 से 12000 ये टीचर्स अभी ये इस अगले सेशन से पहले पहले भर्ती हो जाएंगे। ये भी कुछ वर्षों से विवाद चल रहा था, तो अब उसको हमने क्लियर कर दिया है कि पीजीटी की भर्ती जो है वो HPSC करेगा, TGT की भर्ती स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करेगा। क्योंकि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्लास 3 और 4 केवल एग्जाम होता है, कोई उसमें इंटरव्यू नहीं है, लेकिन पीजीटी में इंटरव्यू भी होता है। ये ग्रुप बी की नौकरी है, गजेटेड नौकरी है, इसलिए वो HPSC करेगा, जो पहले से प्रावधान है क्लास 1 और क्लास 2 HPSC, क्लास 3 और क्लास 4 ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और जब तक ये भर्तियां नहीं होती तब तक बहुत शीघ्र नई क्लास से शुरू होते ही हम इनको HKRM के माध्यम से भी आउटसोर्सिंग से भी भरेंगे। हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार की अमृत सरोवर योजना के तहत अपने तय लक्ष्य से अधिक अमृत सरोवर बनाकर एक और उपलब्धि हासिल की है। 15 अगस्त 2022 तक प्रदेश में 418 अमृत सरोवर बनाए जाने थे, लेकिन सीएम मनोहर लाल और उनकी सरकार के अथक प्रयासों के फलस्वरूप 557 अमृत सरोवर बनाए जा चुके हैं। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाने हैं। सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों को तालाबों के जीर्णोद्धार कार्य में और तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि अमृत सरोवरों और अन्य सभी तालाबों के कार्यों को तय समय में पूरा किया जाए, इन कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही ना बरती जाए। उन्होंने कहा कि तालाबों को बचाने और उनके जीर्णोद्धार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर में अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत की गई है और इस मिशन में बेहतर प्रदर्शन कर हरियाणा को देश में अग्रणी राज्य बनाना है। बता दें कि कुल 5216 तालाबों के जीर्णोद्धार के कार्य योजना तैयार कर ली गई है। इन तालाबों में से 4811 तालाबों का डिजिटल सर्वे करवा लिया गया है और उसके बाद 3404 की आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स बनाने के लिए कार्य आवंटित कर दिए गए हैं। 2737 तालाबों के आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स बनाने के बाद एस्टिमेट्स तैयार किए जा रहे हैं। 268 आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स का सत्यापन किया जा रहा है। केवल 300 के करीब आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स प्रक्रियाधीन हैं, जिनके कार्य 30 सितंबर तक पूर्ण कर लिए जाएंगे। इसके अलावा अमृत सरोवर योजना और अन्य तालाबों के जीर्णोद्धार हेतु 1032 कार्यों के अनुमान प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 644 कार्यों के लिए 496 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और शेष कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति भी जल्दी प्रदान कर दी जाएगी। हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा PDMS सॉफ्टवेयर के माध्यम से राज्य में स्थित सभी तालाबों का डाटा एकत्रित किया गया है। सर्वप्रथम प्रदूषित और ओवरफ्लो वाले लगभग 1800 तालाबों को उपचारित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि देश के तालाबों को इसको ठीक करो, योजना चलाई अमृत सरोवर योजना। अमृत सरोवर योजना में देश के 50,000 तालाब इनको हमको ठीक करना है, हरियाणा के 8,000 तालाब इनको हमने ठीक करना है, तालाब की खुदाई करना, तालाब की स्पोर्ट वाल बनाना, बड़े तालाब जहां हैं उसके चारों तरफ उसका कोई पौधे लगाकर फूल पत्ती लगाकर वहां उसको एक मार्ग बना के लोगों के लिए भ्रमण के ऐसे स्थान बनाना, उसका सौंदर्य बढ़ाना, अर्थात जो तालाब अभी तक गंदे पड़े हैं उन तालाबों को लोगों के भ्रमण के लिए आने जाने के लिए कैसे ठीक किया जाए। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर बूंद इसका उपयोग करो, हर बूंद का उपयोग चाहे घर में इकट्ठा करो, चाहे रिचार्ज करके जमीन में डालो। हमने निर्देश दिए कि सरकारी भवन जितने भी हरियाणा के अंदर उन सब के अंदर वहां रिचार्जिंग वेल बनेंगे, जो बरसात का पानी है बाहर नहीं जाना चाहिए बल्कि जमीन के अंदर छोड़ो, जमीन में साफ होकर के नीचे के तल में पहुंच जाएगा, रिचार्जिंग ऑफ वाटर। किसानों के को भी आह्वान किया है कि आप अपने इलाके का जो बरसात का पानी है उसको बह करके बाहर मत जाने दो, आप हमको बताओ, हम वहां रिचार्जिंग ट्यूबवेल लगाएंगे। पिछले साल हमने 750 ट्यूबवेल लगाए हैं नए, और इस बार घोषणा की है कि आने वाले 2 वर्षों में 5000 नए रिचार्जिंग ट्यूबवेल हम लगाएंगे, 5000 ट्यूबवेल लगाएंगे, यानी बोरवेल जिसको कहते हैं, ट्यूबवेल नहीं बोरवेल, पानी अपने आप नीचे चला जाता है।
बरसात के दिनों के अंदर उसकी एक टेक्नोलॉजी सी बनी है कि वो पानी बजाय बाहर जाने के हरियाणा की एक एक बूंद पानी की जो हमारे पास आए उसका हम सदुपयोग करें। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।